साथियों, भारत सरकार ने किसानां नूं बर्बाद करने लई एक होर फरमान जारी किया है, जो कि साड़ी कैमिकल खादा ने DAP ते यूरिया जो पूरे देश दे विच किसान वरदे ने उसके नाल टैगिंग वास्ते जो गोबर खाद जो सिटी कंपोस्ट है जिहड़ी वह भी नाल एक लैटर कढ़िया है हरियाणा की सरकार नूं पूरे राज्य की सरकार नूं भी वह भी नाल जिहड़ी है टैगिंग करके दित्ती जाए। तो भारतीय किसान एकता BKE इस फरमान का पुरजोर विरोध करती है। तो कोई भी साडा किसान साथी हरियाणा का टैगिंग का समान नहीं लूगा, जो उसनू चाहिए अगर DAP जरूरत है DAP लूगा, यूरिया जरूरत है यूरिया लूगा, क्योंकि हरियाणा के लगभग 6.5 लाख मैट्रिक टन DAP की कंजम्पशन होंगी है, तो 20 लाख मैट्रिक टन यूरिया लगती है। तो जो लैटर है उस लिखा भी 6-7 गट्टे कैमिकल खाद के नाल 3-4 गट्टे जड़े है वह दूसरी खाद के गोबर वाली खाद के कंपोस्ट के जड़े दिते जाएंगे। तो उस दे नाल बहुत वड्डा जिहड़ा घाटा है किसानों होने वाला है। तो सरकार जो है लगभग 75% जो साडा देश की जनसंख्या वो खेती नाल निर्भर करती है, तो उन्होंने बर्बाद करने लगी हुई है, तो पूंजीपतियों को फायदा पहुँचा रही है, क्योंकि जिन्हिया भी फैक्ट्रियां हरियाणा तो वो लगते राज्य लगी हुई हैं उन्होंने फैक्ट्रिया के BJP वाले के मंत्री विधायकों मैंबर जो पार्लीमेंट मैंबर दे हिस्से ने, तो वो सरकार नाल सरकार के अंदर ने सरकार नाल साठ गठ करके बिल्कुल निम्न क्वालिटी दियां बायोफर्टिलाइजर जां जिहड़ियां के इस चीज़ का पुरजोर असी विरोध करते हैं। दूसरा नंबर जो DAP दे विच भी बहुत वड्डी जिहड़े लुट है किसानां नाल हो रही है। अप्रैल 2022 दे विच $954 प्रति मीट्रिक टन DAP का इंटरनेशनल बाजार च रेट सी, जो कि हुण घट के $450 प्रति मीट्रिक टन रह गया, जिस दे नाल लगभग 1847 रुपए का गट्टा होना चाहिए है, लेकिन जो बैग है वह 2900 कुछ रुपए का जिहड़ा हैगा, जिस दे विच 1350 रुपए जो किसान तो लिया जाता बाकी सबसिडी है, 1137 रुपए के लगभग प्रति गट्टा जी है लुट हो रही है, दे जो सरकार के मंत्री और कंपनियां मिलकर लुट कर रही है। उसके उपर भी संज्ञान लवेंगे, उसके उपर भी कार्रवाई की जाऊगी, उसके उपर भी प्रदर्शन किया जाऊगा, क्योंकि ये जो पैसा है जनता का पैसा किसान का पैसा जड़ा है ये कंपनियां लुट कर रही हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।